आज की हमारी हॉट वेब सीरीज का नाम है वॉकमैन पार्ट टू। रोशनी सीडी लाने जाती है तो रंगीला चाचा सो रहा होता है, तब वह चुपके से सीडी लेके निकल जाती है। वह डॉक्टर के यहाँ जाती है तो एक महिला उसे बोलती है कि तबीयत जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है डॉक्टर साहब से मिल के सब ठीक हो जाता है। वह अंदर दिखाने जाती है तो रोशनी देखती है कि डॉक्टर के साथ उसका रोमांस चल रहा है। ऑफिस में चंदन मोहन और रोशनी के रोमांस के बारे में पूछता है तो मोहन फाइल देकर उसे भगा देता है। रोशनी सीडी लगाती है और डॉक्टर वाली कहानी सुन के खुद को फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां वह डॉक्टर और उस महिला के बीच हो रही रोमांस को देखती है। अगले दिन रोशनी बोलती है कि आप ऑफिस मत जाइए। मोहन बोलता है बहुत काम है पर मैं जल्दी आऊंगा। रोशनी फिर से अपने बोरियत को दूर करने के लिए सीडी लगाती है और पति के दोस्त वाला कहानी सुन के मजे लेती है। बाहर से चंदन दरवाजा नॉक करता है तो रोशनी दरवाजा खोलती है। चंदन अपने बारे में बता के अंदर आता है और बातें करने लगता है। रोशनी सीडी रख रही होती है तभी चंदन उसके पीछे आता है और एक सीडी लेकर चला जाता है। सौरभ रोशनी से बोलता है कि आप मेरे दुकान पर आइएगा जरूर। रोशनी बोलती है ठीक है। चंदन ऑफिस में जाता है और मोहन को सीडी देकर बोलता है कि भाभी ने दिया है सुनो इसे। रोशनी कपड़े सूखने के लिए रखती है तो एक लड़का उसके ब्रा को लेकर चला जाता है। चंदन के साथ मोहन पान दुकान पर जाता है तो पान वाला पान में केसर डाल देता है, जिसके चलते मोहन उस पर भड़क जाता है। वह लड़का ब्रा रोशनी को वापस देने आता है और बोलता है कि मेरे घर के सामने गिर गया था। अगले दिन सौरभ बोलता है अरे भैया कहाँ जा रहे हो। मोहन बोलता है ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। सौरभ रोशनी के पास आता है और उसे एक गिफ्ट देकर उसकी तारीफ करके चला जाता है। रोशनी गाना वाला सीडी लाने जाती है तो वह रंगीला चाचा को नोट देती है। रंगीला चेंज खोलने लगता है तभी रोशनी चुपके से सीडी लेकर चली जाती है। रोशनी गिफ्ट खोलती है तो उसमें परफ्यूम होता है, वह थोड़ा सा परफ्यूम छिड़कती है। उसके बाद चमेले की कहानी सुन के बहकने लगती है। तभी चंदन दरवाजा नॉक करता है। रोशनी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि चंदन के हाथ में उसकी ब्रा है। उसके बाद दोनों के बीच रोमांस होता है। अगले दिन रोशनी ठेले पे सब्जी लेने जाती है तो सब्जी वाला उसे बदतमीजी करने लगता है। तभी चंदन आता है और उसे 2-3 झापड़ लगाता है। चंदन रोशनी को घर छोड़ के जाने लगता है तो रोशनी उसे चाय पीने को बोलती है। मोहन आता है तो रोशनी सब्जी वाला का बात बता के चंदन की तारीफ करती है। रोशनी फिर से रंगीला चाचा के दुकान जाती है और कहानी का दूसरा भाग मांगती है तो रंगीला बोलता है कि मेरे पास गंदी कैसेट नहीं है। रोशनी बोलती है चुपचाप दे दीजिए मैं किसी को नहीं कहूंगी। उसके बाद वह सीडी लेकर चली जाती है। दूसरे दिन रोशनी सब्जी लेकर जा रही होती है तभी चंदन उसके हाथ से थैला लेकर घर तक जाता है। चंदन बातें करते करते रोशनी के हाथ पकड़ के चूम लेता है लेकिन वह भाव नहीं देती है तो चंदन चला जाता है। रंगीला चाचा फोन करके रोशनी को बोलता है कि नया कैसेट आ गया है। रोशनी कैसेट लेने जाती है तो रंगीला उल्टी सीधी बातें करता है। रोशनी कहानी सुनने लगती है तो कहानी से पता चलता है कि चंदन मोहन के घर आता है लेकिन उसके घर में उसकी बहन सुनीता के अलावा कोई नहीं था। चंदन पानी के बहाने अंदर जाता है। उसके बाद दोनों के बीच वही सब होता है।